नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। गुवाहाटी, कोरोना काल के कारण पिछले दो वर्षों से होली रंगपंचमी सहित अन्य त्योहार नहीं बना पा रहे लोगों ने इस बार जमकर होली खेली। इसी कड़ी में गुवाहाटी तहसील के पत्रकारों ने भी सलकनपुर के वन विभाग रेस्ट हाउस में होली मिलन समारोह आयोजित किया, जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शामिल रहा। कार्यक्रम में पहुंचे पुलिस, राजस्व, वन विभाग के अधिकारियों ने भी पत्रकारों के साथ गपशप कर गुलाल लगाए और फूलों की होली खेली। इस मौके पर नायब तहसीलदार जयपाल सिंह उइके ने कहा कि हम यूं तो अपने कार्य क्षेत्र में इतने व्यस्त रहते हैं कि समय नहीं काट पाते, लेकिन ऐसे आयोजनों के जरिए हम एक दूसरे से चर्चा कर सकते हैं। इस तरह के आयोजन होते रहना चाहिए। नगर परिषद CMO वैभव देशमुख ने कहा कि होली मिलन समारोह का आयोजन अच्छी पहल है। इस दौरान गुरुबख्श चौधरी ने काव्य पाठ कर समा बांध दिया। पत्रकार साथियों ने DJ की धुन पर जमकर डांस भी किया। क्या है, मेरा पारिवारिक रिश्ता होने के कारण शायद ध्यान से उतरगा हरीश भाई और उइके जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित। बहुत बधाई यहाँ सभी उपस्थित सभी हमारे पत्रकार बंधु, वरिष्ठ नागरिक, हमारे NT साहब उइके जी और हेटी से जो भी आए हैं, सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ बलराम भाई की तरफ से। और मैं हम लोगों को आपसी समय नहीं मिल पाता है, इसलिए यह होली मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं चाहूंगा कि सभी पत्रकार साथी आकर नागरिकगण, आप सभी को राजस्व विभाग की ओर से होली की ढेरों शुभकामनाएं। और ये बहुत अच्छा लगा ये कि हमारे बलराम भाई और हमारे जिला अध्यक्ष हमारे मेहता जी ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत कार्यक्रम के आयोजन के लिए बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि हर साल इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित होता रहे, ताकि हम सभी लोग कम से कम ऐसे अवसर पे मिलकर एक दूसरे को बधाइयां देते रहे। धन्यवाद। रेड्डी से खबर समय जगत के लिए बलराम सिसोदिया की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।